आज पुराने शहर चार मीनार से, जैसे आप तमाम जानते हैं, हिंदुस्तान के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होने जा रहा है। यशवंत सिन्हा साहब के नेतृत्व में और उनकी सपोर्ट के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति आगे आई है। वैसे भी इससे पहले भी जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बने थे उसके मुकम्मल सपोर्ट में हमने जिस पार्टी को सपोर्ट किया, जिस प्रेसिडेंट को सपोर्ट किया, वो जीते। हमें पूरा यकीन है यशवंत सिन्हा साहब भी इस मरतबा जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी जैसी जमात ख़ास तौर के ऊपर जो कहती है वो करती नहीं और जो बताती है वो रहता नहीं। उसके लिए ख़ास तौर पे आप तमाम जानते हैं, हाल ही में एक औरत को जो लेबर का काम करती है, 500 रुपये किराए के घर में रहने वाली की फ़ोटो खींच के ये कह दिया गया कि मोदी साहब ने मुझे छत दिया, जबकि वो लेडी कह रही है चीख चीख के, मुझे घर तो दूर की बात है, मैं 500 रुपये किराए के घर में रहती हूँ, वो झोपड़े के साथ बताया गया तमाम मीडिया में टोटली। क्योंकि सोशल मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो मीडिया जो हक बताती है, साफ बताती है, उन्होंने साफ बता दिया कि औरत को घर ही नहीं मिला। ऐसी तरक्की क्या करना हिंदुस्तान के लिए, सुबह से लेकर शाम तक जो बीजेपी के लीडर्स झूठ बोलते हैं उसके खिलाफ में लड़ने वाले वाहिद अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वजीर आला तेलंगाना रियासत, वो तय कर चुके हैं कि हिंदुस्तान तमाम को, जिस तरह तेलंगाने की तरक्की हुई है, 24 घंटे लाइट, हर शख्स को खाना, और कोई शख्स केसीआर साहब आने के बाद कोई भूखा नहीं मरा, क्योंकि हर चौरस्ते पर 5 रुपए में खाना मिलता है। आप देखते हैं कि हर भूखे को यहाँ पर खाना दिया जाता है और प्यासे को पानी पिलाया जाता है। शहर हैदराबाद की तरक्की पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर है, इसके लिए चाहिए कि अब पूरा मुल्क हैदराबाद की तरह, तेलंगाने की तरह बने, ये हमारी ख्वाहिश है। हम चाहते हैं यशवंत सिन्हा की सपोर्ट करके हमारा एक कदम आगे बढ़ाए। जय तेलंगाणा, जय केसीआर। ईरोजु चार्मिनार अंदर निर्वहिस्तुन्नटुवंटि र्याली, बैक र्याली, మా మీరేనే తెలిబాగ్రి గారు భాద్రపుర కాన్ఫరెన్స్ నుంచి మీరేనే తెలిబాగ్రి గారి ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున బైక్ ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నాము. ఆయన యశ్వంత్ సిన్హాకు మద్దతుగా మేము ఈరోజు బైక్ ర్యాలీ తీస్తున్నాము. ఎందుకంటే బీజేపీ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అన్యాయాలు, అరాచకాలు తట్టుకోలేనటువంటి యూత్ ఈరోజు అగ్నిపథ్ తీసుకొచ్చి ఎన్నో యూత్కి బాధపడే విధంగా, వారికి ఎంతో బాధపడే విధంగా చేసినటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వానికి ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చి పెద్ద ఎత్తున ప్రోగ్రాం నిర్వహిస్తున్నారు. వారికి రిటర్న్ వెళ్ళే రకంగా బాయ్ బాయ్ చెప్పుకుంటూ ఈ ప్రోగ్రామ్ బైక్ ర్యాలీని నిర్వహిస్తున్నాము ఈరోజు చార్మినార్ దగ్గరలో. కాబట్టి మోదీకి కుక్కకాటుకు చెప్పుదెబ్బ కొట్టే విధంగా ఈరోజు మేము బైక్ ర్యాలీ తీస్తూ పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ తీస్తున్నాము. జై తెలంగాణ.